जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर दोस्तों आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं और पक्की सरकारी नौकरी आप सर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा गोल्ड अपॉर्चुनिटी वीडियो लेके आ गया हूं। जी आपने सही सुना, इसमें बेसिकली दोस्तों अगर आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं और आप सर्च कर रहे हैं पक्की सरकारी नौकरी भी, तो आप सबके लिए सुनहरा मौका आ गया है। तो वीडियो को आज पूरा जरूर देखना, सबके साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों उन सभी कैंडिडेट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो होमगार्ड वॉलंटियर्स हैं या कोई सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, तो बेसिकली अगर आपकी सर्विसेज 3 साल रेगुलर हो चुकी है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है। सारी बातें समझेंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखा करो और अप्लाई भी जरूर कर देना। चलिए समझते हैं क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो बेसिकली संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसमें रिक्रूटमेंट आउट हुई है। वैकेंसी जो है दोस्तों वो काफी ज्यादा टाइप की है, अलग अलग पोस्ट आउट हुई है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कौन कौन सी पोस्ट है जो कि आप सब कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली पोस्ट ले लेते हैं अपनी ड्राइवर की। इसमें बेसिकली जो लेवल 2 के सैलरी मिलती है, जो 7th पे एडमिशन के अकॉर्डिंग लेवल 2 बनती है, जो कि लगेगी आपकी अप्रोक्स 20 से 25 हजार के बीच। दोस्तों अगली बात करते हैं, इसमें 8वीं पास मांगा है। 8वीं पास के साथ साथ ध्यान से समझना, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी होना चाहिए, जिसका कि 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल डिफेंस वॉलंटियरशिप का। ध्यान से समझना, अगर आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं या होमगार्ड में वर्किंग करते हैं तो कम से कम आपकी सर्विस दोस्तों 3 साल की होनी चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। यहां तक आपको काफी अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा, वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगली पोस्ट की बात करते हैं, पर्सनलाइजेशन पोस्ट का नाम है, लेवल 6 कहेंगे। सैलरी लगते ही 45 से 50 हजार आपकी सैलरी बनेगी। ग्रेजुएशन मांगा है, ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स आपके होने चाहिए और 80 बार पर मिनट की आपकी स्टेनो की स्पीड होनी चाहिए। यानी कि स्टेनो एक दोस्तों लैंग्वेज होती है जिसको शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं। अगर आपने सीख रखी है तो आपको इसके बारे में काफी अच्छे से पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं इसके रिगार्डिंग भी नई वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। अगली पोस्ट की बात करते हैं, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, लेवल 4 के सैलरी मिलेगी और 55% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन में सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पर्सनल असिस्टेंट का है और स्टेनोग्राफर का है। अब बात करते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया की, तो कम से कम 18 साल ज्यादा 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सारे एज रिलैक्सेशन मिलेंगे एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। दोस्तों बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, कितने रुपए चार्जेस देने होंगे। तो जनरल ओबीसी वालों को देने होंगे 1180 रुपए, एससी एसटी कैंडिडेट को देने होंगे 708 रुपए। दोस्तों अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। ये बेसिकली दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 28 फरवरी 2022। इससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा दोस्तों ऑनलाइन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप वहां पे जाना और अप्लाई कर देना। तो वीडियो कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।